हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग के यहाँ आज क्या है? हमारे के यहाँ तो आज है हमारा फास्ट, क्योंकि इधर सुल्तानपुर इधर की तरफ बहुत मानते हैं। और आप लोग के यहाँ रहा जाता है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आज है शकट, ये माघ में पड़ता है। तो आज हमारा ही फास्ट है, हम सबका फास्ट होगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं, ये शकट है, ये लड़कों का व्रत है। तो अभी सारा काम करके छुट्टी पाए हैं, तो अभी हम कहे ला थोड़ा सा ब्लॉग शुरू कर दें। सुबह 4 बजे ही उठे थे, तो सोचे कि ला शुरू कर दें, लेकिन फिर हम कहे कि नहीं, अभी से क्या, तो कुछ देर बाद करेंगे। फिर उसके बाद मौका भी नहीं मिला, तो क्यों, बच्चे भी स्कूल जाने लगे, हस्बैंड को भी जाना था। तो इस समय स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, टाइमिंग हो गया है 10 बजे से। तो इसके वजह से मौका ही नहीं मिला कि ब्लॉग शूट कर पाए। तो हम सोचे कि लाओ आप खाली हो गए हैं तो शूट कर दें। तो अभी इन लोग को भी बाहर नहीं किए हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है, धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। आज तो वैसे भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें जब इसमें धूप ऊप बहुत कम ही दिखती है, आज जो व्रत होता है, तो इसके वजह से। तो आज चलिए, तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि हम तो गांव जाने वाले थे, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि ठंडी बहुत है, ठंडी के वजह से नहीं जा पाए। मम्मी गांव में ही हैं, तो बोली थी कि चली आना, लेकिन तो नहीं, मौका नहीं मिला और जा भी नहीं पाए, ठंडी भी बहुत थी। तो इसके वजह से गांव हम नहीं गए, नहीं तो जाते ज़रूर। और क्योंकि मम्मी वहाँ पे अकेले हैं, भाभी लोग हैं वहाँ पे, बड़ी वाली भाभी हैं, बड़े वाले बड़े पापा की बहू, वो लोग वहीं रहती हैं, तो वो लोग वहाँ पे हैं, तो इसके वजह से बहुत ही आराम रहता है। तो जाने वाले थे, लेकिन नहीं जा पाए। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। और आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। इधर हमने मेरा फ़ोन रखा हुआ है, दूसरा वाला, और वही दिख रहा है। तो अभी तो हम कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बैठे हैं, क्या ही करें, अकेले अकेले रहते हैं, तो अब अकेले रहना ही पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस, अभी धूप निकल आई यहाँ पे, तुरंत ही अभी जेस्ट निकल ही रही है, तो हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि डाले हैं आज तिल। देखिए, ये तिल डाले हुए हैं, क्योंकि आज है व्रत ना, तो बताए ही था आप लोग से, तो व्रत है तो उसमें तिल और गुड़ चढ़ता है, तिल गुड़ गंजी यहाँ पे चढ़ता है हमारे लोग यहाँ। और आप लोग के यहाँ कैसे होता है वो भी कमेंट करिएगा, कि आप लोग के यहाँ कैसे करते हैं इसकी पूजा, वो भी बताइएगा। तो हमारे यहाँ तिल और गुड़ और गंजी चढ़ती है, और गंजी और वो खाते भी हैं हमारे यहाँ। और आप लोग के यहाँ कैसे रहा जाता है, क्या करते हैं, आप लोग भी कमेंट करिएगा ज़रूर भी। तो अभी हम बैठे हुए हैं, धूप बहुत ही अच्छी धूप निकल आई है, और धूप निकलती है तो बहुत राहत मिल जाता है, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है इधर, इधर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो इसलिए हम बैठे हैं बाहर धूप में, और क्या ही करें, अकेले ही हैं, कोई और अभी है भी नहीं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो हम बैठे हैं, मिट्ठू को भी टांग दिए बाहर ही, क्योंकि धूप निकली थी, तो सोचे थोड़ी देर इन लोग को भी बाहर ही कर दें। और वैसे धूप रहती तो इन लोग को बाहर ही कर देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं। तो आप लोग यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग, हमारा नीराजली फास्ट है, इसमें रहते हैं जब नीराजली, शाम को भगवान को देख के, पूजा करके, अर्घ देकर, तब पानी पीते हैं, वो भी दूध गंजी खाते हैं केवल, और चाय पीते हैं बस, नमक नमक नहीं खाते इसमें। तो अभी हम बैठे हैं बाहर, चलिए हम मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कैसे होता है पूजा। गाइस, बैठे हुए हैं अभी, तो अभी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज है हमारा फास्ट, आप लोग को बताए ही थे। तो अभी हमने साड़ी निकाली है, देखिए आप लोग को बताइएगा कि ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है, यही पहनेंगे अभी पूजा में।
क्योंकि अच्छी भी लग रही थी, सोचा नई ही पहनी जाती है इसमें, तो इसलिए इसको निकाला है अभी, हम पहनेंगे भी और सारी व्यवस्था कर दी है पूजा की। तो हेलो गाइस, आज है मम्मी का व्रत और वो पता है किसके लिए? हम लोग के लिए। पूरा सुबह से नीरा जली व्रत आप लोग को दिखाते हैं। कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। हेलो ऊपर से गाइस, नीचे तक हम किसान पूजा कर रहे हैं अभी, तो अभी तो शुरुआत किए हैं और चंद्रमा निकलने का टाइम है 9:08 बज के कुछ मिनट पे निकलेंगे, तो इसलिए सोच के जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे जो थोड़ा बहुत ही काम करेंगे यहाँ, तो हम ज्यादा करते नहीं है क्योंकि तो मम्मी सारा पूजा पाठ वहाँ पर करती है, तो थोड़ा बहुत यहाँ करेंगे जो कि अब सब रहे हैं। चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वो एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रही थी और रोटी हो गया।
ब्लर ब्लर आ रहा है अरे हाँ वो कभी कभी हो जाता है खड़े खड़े काट लेना ना कैसे काट लेंगे कट जाएगा भैया को भेज देना वो काट दे मैं कर दूंगा लाइट ही हुई बस करो जाओ कर चुके हम अब चल रहे हैं पानी पीने और क्योंकि आप लोग को दिखाए पूजा उजा किए हैं तो चलिए फिर क्योंकि मेरा जली व्रत है ना तो थोड़ा वैसे ही लग रहा है सर होने का भी है तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा चलिए रखते हैं बाय बाय गुड नाइट सबको